सब्सक्राइब कीजिए टेक विद सुमित और बेल आइकन को प्रेस कीजिए फॉर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी न्यूज के लिए। तो दोस्तों, जो नोकिया का फोन है उसने कुछ ही अभी कुछ हाल ही हाल ही में अपने एंड्रॉइड फोन लॉन्च किए हैं इंडिया में। तो जो उससे पहले था इंडिया नोकिया है, जो उसने अपनी जो है अपनी जो कंपनी जो शायद माइक्रोसॉफ्ट को भेजी थी। तो माइक्रोसॉफ्ट फोन विंडो फोन आने के बाद जो है नोकिया के फोन बहुत कम ही आने लगे थे, जो लॉन्च ही नहीं हुए थे इंडिया, कहीं भी नहीं हुए थे। मतलब जो नोकिया है उसने कोई भी फोन नहीं बनाया था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको मैं कुछ नोकिया के बारे में जानकारी देने वाला हूँ कि नोकिया जो है कौन सा फोन लॉन्च करने वाले जनवरी में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और आप मेरे साथ देख रहे हैं टेक विद सुमित। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि नोकिया जो है अपना फोन लॉन्च करने वाली है इसी महीने में जनवरी को 6 तारीख को। तो वो कौन सा फोन होगा और उसके साथ ये भी बोल रहे हैं कि उसके साथ एक दूसरा फोन भी लॉन्च होगा। तो जो जैसे दोस्तों पता होगा आपको कि जो जियो है, जियो ने पहले लाइव फोन लॉन्च किया उसमें, फिर उसके बाद उन्होंने कीपैड वाला फोन लॉन्च किया और उसकी जो है ऑनलाइन उन्होंने वो रजिस्ट्रेशन की थी। तो जो जियो का कीपैड वाला फोन था उसमें जो है आप जियो का सिम यूज करते थे, लाइट था और वोल्ट था और आप उसमें सिर्फ जियो का सिम ही यूज कर सकते थे। तो बाकी इसी उसी की तरह जो नोकिया है उसने जो है 3310 4G है जो बोल रहे हैं लॉन्च करने को। बाकी अभी कुछ पता नहीं है। जो नोकिया के 3310 4G वेरियंट है वो चाइना की वेबसाइट पे देखा जा सकता है कि जिसका मॉडल नंबर TA/1077 है। तो सुनने में ये भी आया कि फोन में TD लाइट होगा, TD-SCDMA होगा, SCDMA हो गया और GSM नेटवर्क को पूरा सपोर्ट करेगा। तो भाई अब तो नोकिया भी कीपैड वाला फोन 4G में लॉन्च करने वाला है। तो आप जिस दिन आएगा तो उस दिन देखते हैं कि कैसा फोन है, क्या सपोर्ट करता है उसके अंदर, क्या नहीं करता। तो स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो मैं एंड में बताऊंगा स्पेसिफिकेशन उसकी, क्या स्पेसिफिकेशन है उसकी। तो जो HMD ग्लोबल ने फेब्रुअरी मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में अपना फीचर फोन नोकिया 3310 का फर्स्ट एडिशन जो है एक्सपोज किया था। तो जो है नोकिया 10 का फर्स्ट वर्जन 2017 में 2G आया था, उसके बाद 3G आया और उसके बाद अब आ रहा है 4G। तो जो 4G वर्जन है वो जनवरी 6 तारीख को लॉन्च होगा। जो है नोकिया का एक फोन हो रहा है जो नोकिया 6 के नाम से है, शायद वो भी लॉन्च हो रहा है। तो बाकी अभी कुछ कह नहीं सकते कि क्या लॉन्च होगा नहीं होगा। तो नोकिया जो है फिर से जो है नोकिया जो है काफी काफी अच्छी कंपनी है जो कि है कि एंड्रॉइड फोन काफी अच्छे निकाल रही है, काफी थोड़े एक्सपेंसिव है बट है जो है काफी अच्छे फोन है। तो अब स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं। तो स्पेसिफिकेशन क्या चीज हो सकती है इसकी, तो जो स्पेसिफिकेशन है स्पेसिफिकेशन आपको मिल जाती है तो एक नॉर्मल डिस्प्ले जो आती है नोकिया की उसके साथ मिल जाती है आपको। पिक्सल मिल जाता है आपको 240x320 का पिक्सल मिल जाता है उसके उसके साथ मिल जाता है आपको 3.5 mm का हेडफोन जैक मिल जाता है, 1200 mAh की बैटरी मिल जाती है और जो जिसकी जो जिस जो चलेगा 6.5 घंटे तक चल सकता है। तो मैंने अभी बताया कि उसकी बैटरी 1200 mAh की है और उसका जो है जो म्यूजिक प्लेयर सपोर्ट करता है 16 MB इंटरनल स्टोरेज होगी और जो 32 GB एक्सटर्नल स्टोरेज को वो सपोर्ट कर सकता है। तो जो कैमरा है वो फ्लैश के साथ आएगा। तो कैमरा जो है 2 MP का होगा। तो ये तो बता दिया मैंने कि आपको कौन कौन सा जो नेटवर्क उसको सपोर्ट करता है, क्या क्या उसकी मेमोरी है, क्या उसकी बैटरी है, क्या उसकी स्क्रीन है, क्या उसका कैमरा हो, क्या हेडफोन जैक है। तो अब बात करते हैं थोड़ी सी आगे। तो फोन में जो आपको है फ्रंट कैमरा नहीं दिया जाएगा और ना ही उसमें वाईफाई अवेलेबल होगा जो कि जियो फोन में अवेलेबल है। तो अभी देखते हैं इसकी प्राइस क्या है, तो क्या होता है तो वो चलेगा हमको पता 6 जनवरी को। तो अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो लाइक के काले बटन को नीला कर दीजिए और जो सब्सक्राइब का लाल बटन है उसको आप काला कर दीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट न्यूज के बारे में पता चलता रहे। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगे। धन्यवाद।